हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मेकअप आशा गुप्ता। सो ये वीडियो है स्किन केयर के बारे में जो कि मुझे रिसीव हुआ है एक पीआर फ्रॉम नेचुरल एसेंस। सो यहाँ पे टोटल मुझे 5 फेशियल प्रोडक्ट्स रिसीव हुआ है। वन बाय वन मैं आप लोग को स्क्रीन पे शो करूँगी एंड उसमें से कोई एक प्रोडक्ट यूज़ करके बताऊँगी कि वो किस तरह से आपकी स्किन पर वर्क करता है। ये टोटली नेचुरल है आपके स्किन के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए है। अगर आप लोग ये वीडियो के स्टार्ट में सोच रहे होंगे कि मेरी स्किन ऑयली है, ड्राई, मैं यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, बट ये ऑल स्किन टाइप के लिए, तो आप लोग मेक श्योर वीडियो एंड तक देखें। एंड चैनल पे न्यू है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स टोटली फ्री। एंड कमेंट डाउन बिलो जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रोडक्ट और कॉन्टेंट जो मैं क्रिएट करती हूँ। एंड या ज़्यादा ना बातें करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये टोटल 5 बॉक्स है जो मुझे रिसीव हुआ है एंड सारे अलग अलग वेराइटीज़ में है। सो वन बाय वन मैं आप लोग को स्क्रीन पे शो करूँगी। ग्लोइंग गोल्ड फेशियल किट एंड सेकेंड वन इज ब्राइटनिंग डायमंड फेशियल किट, थर्ड वन इज वाइटनिंग पर्ल फेशियल किट एंड फोर्थ वन इज फ्लॉलेस पपाया फेशियल किट एंड फिफ्थ वन इज जेंटल फ्रूट फेशियल किट। सो दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ इन फेशियल जो आप लोग अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बहुत फेयर फेस है तो आप लोग डायमंड में जा सकते हो। अगर आप लोग येलो ही टोन के स्किन में है तो आप लोग गोल्ड यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग पिंकी पिंकी टाइप है, लाइक पिंकिश स्किन है, मतलब रेडिश जैसा होता है, तो आप लोग पर्ल यूज़ कर सकते हो। अगर आपके फेस टैन है तो आप लोग पपाया यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप लोग फ्रूट यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप लोग को यूज़ करना है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अभी जो यूज़ करने वाली हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में आपको इन डिटेल में बताती हूँ एंड उसका प्रोसेस बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर ये गोल्ड फेशियल किट फ्रॉम नेचर एसेंस यूज़ करने वाली हूँ एंड ये D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क प्री प्रेप फेशियल थेरेपी है जो फ्री मिलता है इस बॉक्स के साथ। फर्स्ट और इसमें 4 स्टेप है। फर्स्ट इज एक्सफोलिएट, कंडीशन, हाइड्रेट एंड पॉलिश, ये 4 स्टेप है। तो 3 यूज पैक है, लाइक आप इसको 3 टाइम यूज कर सकते हैं। बॉक्स को ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही दिया है, गेट अ पार्लर लाइक ग्लो एट होम इन जस्ट 4 स्टेप। एंड बॉक्स के बैक देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल में सारी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन है, तरीके यहाँ पे मेंशन है, टाइमिंग्स मेंशन है कि प्री प्रेप फेशियल 15 मिनट का है, फर्स्ट स्टेप इज 3 मिनट, सेकंड स्टेप इज 15 मिनट, 2 मिनट्स, 10 मिनट, एवरीथिंग इज मेंशन इन डिटेल दैट हाउ यू कैन यूज़ एंड फॉर कितना टाइम के लिए आपको यूज़ करना है। एंड यहाँ पे क्वांटिटी भी बताया गया है कि कितना इसके अंदर है, ग्राम, ml, ऑल सब कुछ बताया है। एंड ये 260 रुपीज़ का एक बॉक्स है, आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दिस इज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप एंड ये यूज बेस्ट यूज फॉर 2 वीक्स फॉर बेस्ट रिजल्ट, यूज एवरी 2 वीक्स फॉर बेस्ट रिजल्ट। सो मैं इस बॉक्स के बारे में बात कर रही थी जो आप लोग ने वीडियो में देखा, मैं इन डिटेल में बता रही थी। बॉक्स के अंदर आप लोग देख सकते हो, पहले है D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क जो मैंने बताया है, जो ये आपके स्किन के टैन को पहले रिमूव कर देगा, उसके बाद आपके स्किन पे अच्छा फेशियल इफेक्ट देगा। जो भी आप फेशियल यूज़ करने वाले हो अपने खुद से आप यूज़ कर सकते हो, यू डोंट नीड टू गो पार्लर और समथिंग एंड इन्वेस्ट योर मनी। सो या सो फर्स्ट है एक्सफोलिएट ग्लोइंग गोल्ड क्लेंजर स्क्रब, सेकेंड इज कंडीशन ग्लोइंग गोल्ड मसाज क्रीम, थर्ड इज हाइड्रेट ग्लोइंग गोल्ड जेल एंड फोर्थ इज पॉलिश ग्लोइंग गोल्ड पैक। सो यहाँ पे ये टोटल 5 ट्यूब है एंड मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। मैं थोड़ी येलो ही टोन में हूँ तो इसके लिए मैंने गोल्ड चूज़ किया क्योंकि ये मेरे पे अच्छा इफेक्ट देता है। मैंने इसको काफ़ी टाइम यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे पहले भी PR में रिसीव हो गया था, ये सेकेंड टाइम मुझे रिसीव हुआ है। सो या आप लोग आगे की वीडियो में देखोगे कि इसको मैंने किस तरह यूज़ किया है। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। आप लोग देख सकते हो मैं फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रही हूँ और मैं नीचे देख के आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैं किस तरह कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि किस तरह से ऐसे करना है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू योर फेशियल एंड यू आर डूइंग फॉर फर्स्ट टाइम, इट्स वेरी इजी, सो डोंट गेट नर्वस, बस वीडियो एंड तक देखना। सो स्टार्ट में मैं बोल देती हूँ, गेट अ पार्लर लाइक ग्लो एट होम। सो फर्स्ट स्टेप है प्री फेशियल प्रेप D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क एंड ये कुछ इस तरह से दिखता है जिस तरह से मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। एंड ये वाइप ऑफ मास्क रिमूव ऑल द टाइप्स ऑफ टैन, ब्रिंगिंग बैक योर नेचुरल फेयरनेस एंड ग्लो। इफ़ योर स्किन इज़ ग्लोइंग और आपकी स्किन फेयर है एंड आप धूप से टैन हो चुके हो तो आप लोग ये यूज़ करोगे, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा विद इन अ 15 मिनट्स और आपको
नॉर्मली आपके स्किन पे इस तरह से अप्लाई करना जिस तरह से मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। एंड आफ्टर 15 मिनट्स आप लोग इसको वॉश ऑफ कर सकते हैं नॉर्मल वाटर से या वाइप ऑफ कर सकते हैं जिस तरह से आपको करना है। बस आपकी स्किन के साथ आपको जेंटल रहना है। सो या आपको इस तरह से वाइप ऑफ कर देना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है वाइप ऑफ। जो D10 का थेरेपी वाइप ऑफ मास है वो इसमें स्टेप के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आपको टैन है तो यू कैन यूज़ दैट, बट दैट इज़ वेरी गुड टू यूज़, मतलब आपके स्किन को अलग ही एक इफेक्ट देगा। इसके लिए वो उसके साथ आता है और सारे बॉक्स में वो फ्री है, उसका इंक्लूड कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ग्लोइंग गोल्ड क्लेंजिंग स्क्रब है फर्स्ट स्टेप इज स्क्रब। एंड ये 3 मिनट का प्रोसेस है। एंड दिस इज़ अ जेंटल क्लेंजिंग स्क्रब दैट गिव्स योर स्किन अ फ्रेश स्पार्कल। सो आपके स्किन में एक फ्रेश स्पार्कल लुक आएगा जिस तरह से मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। इस तरह से आपको जेंटली मसाज करना है ओनली फॉर 3 मिनट्स। और आप कैसे भी स्टेप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके स्किन को मसाज देना है लाइक आपके फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से, आप उस हिसाब से कर सकते हो। बस 3 मिनट तक करना है, ज़्यादा घसना नहीं है, बहुत सॉफ्टली बड़े प्यार से, क्योंकि आपकी स्किन बेबी की तरह ही रहती है, उस हिसाब से आपको करना है। एंड 3 मिनट बाद यू कैन वाइप ऑफ और वॉश इट ऑफ, ठीक है। द सेकेंड प्रोसेस इज ग्लोइंग गोल्ड मसाज क्रीम एंड दिस प्रोसेस इज फॉर 15 मिनट्स। एंड ये करता है वर्क इस तरह, अ रिच मसाज क्रीम दैट गिव्स यू स्किन अ सॉफ्ट गोल्डन रेडियंस। सो ये सॉफ्ट एंड गोल्डन रेडियंस देता है मसाज क्रीम। इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, लाइक नॉर्मल करता है, आपकी स्किन इश्यूज सॉर्ट करता है, आपकी स्किन को काम करता है, आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है, आपके रिंकल्स को गायब ऐसा करता है। हालांकि आई डोंट हैव एनी रिंकल्स क्योंकि मैं अभी छोटी हूँ ना। तो इस तरह से आपको मसाज करना है जिस तरह से मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में मे भी प्ले कर रही होंगी, बट यू नो हाउ टू मसाज योर फेस जिस तरह से आप क्रीम लगाते हो। बस नेवर स्लाइड योर फेस लाइक दैट, ऐसे आपकी स्किन को ऐसे नीचे पुश नहीं करना है और जेंटली आपको करना है एकदम बड़े प्यार से, जैसे यू नो यू लव योर स्किन एंड स्किन इशूज़ जल्दी जाते नहीं है, तो हम ज़्यादा घसेंगे तो और इशूज़ आ रहे हैं। तो बहुत जेंटली मसाज करना है ऐसे ऐसे जिस तरह से मैं स्क्रीन पर बता रही हूँ, ओके। सो या 15 मिनट बाद आपकी क्रीम जो है मसाज क्रीम वो इजीली आपकी स्किन पे डिसॉल्व हो जाएगी। यू डोंट हैव टू वाइप ऑफ और वॉश इट ऑफ। एंड प्लीज एक्सक्यूज द बैकग्राउंड नॉइज, पीछे पता नहीं कुछ काम चल रहा है। सो थर्ड स्टेप इज़ ग्लोइंग गोल्ड जेल एंड दिस प्रोसेस है फॉर 2 मिनट। एंड ये जेल वर्क करता है अ लाइट जेल दैट लीव्स योर स्किन ड्यूई फ्रेश वाइट विद द सॉफ्ट शाइन ऑफ गोल्ड। सो ये लाइट जेल है, आपको इजीली अप्लाई करना आपके स्किन पे इक्वली क्वांटिटी इक्वली अमाउंट में। एंड ये आपके स्किन में अपने आप एज एन स्प्रेड हो जाएगा अच्छे से। 2 मिनट तक आपको इसको रखना है। ग्लोइंग गोल्ड जेल जेल का एक एज एन मॉइस्चराइजर मसाज लेना है बहुत हल्के अमाउंट में, मतलब हल्के प्रेशर में आपको इसको मसाज करना है जिस तरह से मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, ओनली फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। अगर आप लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप इसका बॉक्स लेके बैठे, क्योंकि बॉक्स के बैक में सब कुछ मेंशन है। मैं यहाँ पर से पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट यू गाइस कंफ्यूज कि मैंने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया फिर यू ऑल लाइक कि ये कैसे करना है वो कैसे करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो नेक्स्ट स्टेप इज ग्लोइंग गोल्ड पैक लास्ट स्टेप। एंड पैक इज़ द फिनिश ऑफ द फेशियल, मतलब फिनिश करता है फेशियल के काम को। सो ये करता है फॉर्मिंग पैक दैट गिव्स योर सलोन परफेक्ट विद स्किन विद द गोल्डन ग्लो, ठीक है। सलोन परफेक्ट जैसा इफेक्ट देगा। पैक आपको रखना है एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो 10 मिनट्स रखना है, ऑयली है तो आप 12 मिनट तक भी जा सकते हो, ठीक है। मेरी ड्राई है, मैं 10 मिनट्स तक ही रखूँगी। तो ईजीली आप कोई भी ब्रश ले लो, आपकी फिंगर ले लो, कैसे भी आप लगा सकते हो। बस मेक श्योर आप इक्वल अमाउंट में लगाओ, लिप्स पे मत लगाओ, अंडर आइज पे मत लगाओ, सिर्फ आपके फेशियल जहाँ पे आप करते हो एज एन मॉइस्चराइजर लगाते हो वहीं लगाना है, ओनली फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। जब तक मैं इस तरह ऐसे लगा रही हूँ आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। फेशियल करने से पहले हमेशा वॉश योर फेस विद नॉर्मल फेस वॉश और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो होता है वो। सेकेंड थिंग, ऑलवेज क्लीन योर फेस बिफोर यू गो बैड। अगर आप सोने जा रहे हो तो आपका फेस वॉश करके आपको सोना है। स्किन हमेशा क्लीन रहनी चाहिए। मेकअप अगर आप बाहर से आए हो तो पहले आपको मेकअप उतारना है। आपका फेस हमेशा नीट एंड टाइडी रहना चाहिए। एज एन आप लाइनर लिपस्टिक या काजल लगा के सो गए तो बस
आपका फेस ख़राब होने के टोटल चांसेस है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, और अगर आप लोग सोचते हो तो ऑयली स्किन मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपनी स्किन की ज़्यादा केयर करो, मेक श्योर यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड यूज़ अ गुड मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, बट लगाना है। नेवर स्किप एनी स्किन केयर स्टेप वाइल यू हैविंग अ स्किन इशूज लाइक एक्ने और ड्राई और समथिंग। मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे मॉइस्चराइजर ज़्यादा लगाना पसंद है। पैक सूख चुका है, 10 मिनट बाद आपको इसको ईजिली वेट टिश्यू से या नॉर्मल वाटर से आप लोग इसको वॉश कर सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगी। लाइक स्टार्ट में विदाउट मेकअप मैंने जब इसको अपना बिफोर शूट किया था, लाइक बिफोर मैंने अपना निकाला था वीडियो वो, एंड आफ्टर द रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा एंड उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। अगर आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट और फेशियल स्टेप और डिटेल, आपको जो भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस फेशियल स्टेप और प्रोडक्ट्स डिटेल और जो भी है। नेचुरल एसेंस इज द वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप एंड ये ज़रा भी स्किन को हार्म नहीं करता है। एंड सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो देख के कुछ भी ऐसा डाउट है कि प्रोडक्ट्स में क्या है क्या नहीं, इंग्रेडिएंट्स एवरीथिंग इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। लाइक अगर आप लोग को जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फेशियल किट सेलेक्ट करना है, जस्ट क्लिक दैट लिंक, आप लोग उस पेज पे चले जाओगे नेचर एसेंस के एंड वो प्रोडक्ट खोल के उसके इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे सारे मेंशन है, अमाउंट मेंशन है, प्राइस मेंशन है, एवरीथिंग। मेक श्योर आप लोग इसको बाय करो एंड यूज़ करो। आई टोटली रिकमेंड यू गाइस, यू वोंट रिग्रेट। एंड मेरी स्किन के लिए तो वल्ला वक किया है। सो या दिस वॉज द स्किन केयर वीडियो फॉर यू गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो जो भी क्वेश्चन है एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड आई विल सी माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।